बसमिल्मान रहीम लेट्स बिगिन आज हम ए टू जेड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं स्टॉक मार्केट के डेटा सेट पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करके खास तौर पर स्टेटिस्टिकल एल्कोथम को यूज़ करके जिसका नाम सरीमा है लेकिन हम अरिमा भी साथ में देखेंगे ये दोनों क्या मॉडल होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट ओबियसली आपको मैंने बताया हुआ है विल जस्ट बिगिन विद समथिंग एडवांस स्क्रीन आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी ओबियसली राइट तो मैं थोड़ी सी रिवीजन आपको करवा देता हूँ कि हमने अरिमा मॉडल देखा था विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज ठीक है हमने ये मॉडल जब इसकी जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इसके अंदर पी डी और क्यू तीन चीजें होती हैं पी इज ऑटो रिग्रेशन या या ऑटोरिग्रेसिव मॉडल से डी इज़ फ्रॉम डिग्री ऑफ डिफरेंस यानी कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्लेन आ जाता है यानी कि वो उसके अंदर रोटेशन है तो उस डिग्री ऑफ डिफरेंस को हम निकाल देते हैं कि प्लेन डेटा यानी कि स्टेशनरी डेटा में और एक साइक्लिक डेटा के अंदर डिग्री ऑफ डिफरेंस कितना आ रहा है एंड देन क्यू इज़ द ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज यानी कि जो वेरियंस का अगले पॉइंट्स पे कितना इम्पैक्ट होता है उसको हम क्यू बोलते हैं तो हमने साथ में ये भी देखा था कि अरिमा जो है वो डिफाइन होता है सम ऑफ द आर ए आर जिसे हम बोलते हैं जिसको हम पी लिया गया एम ए मतलब मूविंग एवरेज और इंटीग्रेशन इन दोनों के दरमियान में जब हम ए आर आई एम ए लगाते हैं तो ए आर इज फ्राम रिग्रेशन आई फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ मूविंग एवरेज विद ऑटो रिग्रेशन सो दीज आर टू डिफरेंट मॉडल्स जो हम इकट्ठे यूज करते हैं इनकी कुछ इक्वेश बेसिकली अगर एटोग्रेशन मॉडल की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ करंट ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि हिस्टोरिकल और करंट ऑब्जर्वेशन का डिपेंडेंट रिलेशनशिप देखता है कि पिछली दो ऑब्जर्वेशन की वजह से आज का टेम्परेचर कितना हुआ यानी कि अगर कल 40 डिग्री था तो आज कितना टेम्परेचर है या कल अगर एक स्टॉक की प्राइस इतनी थी तो आज कितनी है तो पिछला रिलेशनशिप भी इसमें वो फाइंड आउट करता है मूविंग एवरेज के अंदर ये होता है कि डिपेंड करता है बिटवीन एन ऑब्जर्वेशन इसके बारे में बड़ी हमने डिटेल देखी थी फिर जारी बात है इसकी कुछ इक्वेशंस हैं इक्वेशंस के अंदर हम डिटेल में नहीं जा रहे अभी डायरेक्टली इस मॉडल को अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है अगर वो मैं यहाँ पे एक सिंपल डेटा बनाऊंगा एंड देन इस पे हम काम करेंगे फिर वी विल सी कि ये कैसे काम चल रहा है यहाँ पे अगर पांडास की लाइब्रेरी हम ले के आते हैं एंड देन वी टेक स्टैट्स मॉडल्स जिसका नाम है टी एस एंड डॉट अरिमा डॉट मॉडल ये न्यू वे है अरिमा मॉडल को लाने का अगर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे दो हजार इक्कीस से पहले तो यहाँ पे अंडर स्कोर लगाया होता है उन्होंने विच इज़ नाउ नॉट वर्किंग तो आपने डॉट मॉडल लगाना है यहाँ पे ठीक है इंपोर्ट अरिमा हमने यहाँ पे कर लिया तो अरिमा लिखने के बाद हमने कोई भी एक डेटा भी यहाँ पे लगा सकते हैं जिसके अंदर कोई हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं फॉर एग्जांपल ये एयर पैसेंजर्स का डेटा है जो हमने ऑलरेडी देखा भी था अगर हम यहाँ पे एयर पैसेंजर का डेटा देखें तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस कि नंबर ऑफ मंथ्स की बेस पे आपके नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं वो आ रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर सिंपली वो हमने डेटा लिया और यहाँ पे पी डी क्यू की वैल्यू टू वन टू हमने रख दिया ऑटोमेटिकली कैसे ये देखी जाती है मैं आपको अभी बताता हूँ इन अ मिनट जस्ट टू शो यू द लेआउट के अरिमा मॉडल कैसे लगता है सेम वही साइकट लर्न वाली टेक्निक है मॉडल आपने कॉल किया किस पे लगाना है वो कॉल किया और साथ में ऑर्डर बता दिया तो ये बेसिकली इसके हाइपर पैरामीटर्स ही हैं ठीक है ये जो पी डी क्यू है आप अगर इसको अच्छे तरीके से ट्यून करेंगे आपकी वैल्यूज अच्छी आएंगे अगर अच्छे से नहीं करते तो इसकी वैल्यूज डिफरेंट आती हैं तो हमने फिट किया मॉडल को वही चीज साइकट लर्न वाली

तो डेटा हमारा ये प्रोडिक्शन का आता है अगर पीछे इसका ओरिजिनल डेटा भी हम करता है आप पहले मॉडल मॉडल लगाते हैं उसको ट्रेन करते हैं प्रोडिक्ट करते हैं प्रोडिक्ट को फिर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं या आप डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स भी देख सकते हैं ठीक है अब दूसरी जगह पे हमारे पास एक एडीएफ टेस्ट है ठीक है एडीएफ सिग्निफिकेंट है या नहीं है किस चीज में सिग्निफिकेंट में। अगर आपका डेटा स्टेशनरी है या नहीं है अब स्टेशनरी डेटा कौन सा होता है वो डेटा जब वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसमें कोई वेरिएशन ना आए मतलब उतार चढ़ाव ना है वो एक ही स्पीड से आगे को मूव कर रहा हो या एक ही ट्रेंड में जा रहा हो वो ट्रेंड उसका चेंज ना हो नीचे ना है या ऊपर ना जाए जैसे अक्सरों का आपको पता है कि जनवरी में टेम्परेचर नीचे आ रहा होता है ठीक है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल से ऊपर जाना स्टार्ट होता है मई जून जुलाई से ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे तो ये स्टेशनरी डेटा नहीं है दिस इज साइक्लिक डेटा या जिसको हम सीजनल uh, डेटा बोलते हैं सॉरी तो इसकी दो दोन ये है रीमा मॉडल की कि एक तो आपने मिसिंग वैल्यूज इसमें से निकालनी होती है ठीक है और दूसरा आपका ये है कि आपने बेसिकली ए डी एफ फुलर एडी फुलर टेस्ट या ए टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ये लगाना होता है टू सी अगर आपका डेटा स्टेशनरी है कि नहीं ये वही चीज है जैसे हम स्टार्ट में नॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट लगाते होते थे टेस्ट टेस्ट और नॉन में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने लगाया था शपीरो विल्क टेस्ट इसी तरीके से हम डिफरेंट अदर टेस्ट लगा रहे थे ये वही टेस्ट है ठीक है अब यहाँ पे अगर इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास पी की वैल्यू जो है पॉइंट नाइन नाइन आ रही है पैसेंजर्स की ठीक है और हमें पता है जो डेटा है अगर हम यहाँ पे प्रडिक्श जो हमारे पास डेटा है डी एफ पैसेंजर का अगर मैं इसी डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डिकम्पोज़ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम स्टैट मॉडल्स और यहाँ पे Decomposition, seasonal decompose, आप यहां पे मुझे बताएं कि ये डेटा सीजनल है या नहीं है सिंपल सीजन नजर आ रहे हैं ना डेटा में तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा हमारे पास सीजनल है इट्स नॉट स्टेशनरी डेटा अब इसका हमें कैसे पता चलेगा हम यहाँ पे टेस्ट भी लगा के देख सकते हैं

लेट्स क्विक लुक ऑन एडी फुलर टेस्ट या एडीएफ टेस्ट के डेटा को स्टेशनरी करने के लिए जब हम ये टेस्ट लगाते हैं तो हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है जी नहीं ये काम करना है इस डेटा स्टेशनरी जो फिर हमारे पास यहां पे चीज आ रही है रिजल्ट की उसका पहला कॉलम जो है विच शुड बी लेस देन जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो यहां पे क्या आ रहा है फॉल्स डेटा स्टेशनरी नहीं है ठीक है तो अगर हम इस तरीके से एक बुलियन आर्गुमेंट बना लेंगे इट वुड बी बीजियर अगर ये पॉइंट जीरो फाइव से नीचे है तो डेटा स्टेशनरी है इसका मतलब अगर ये टेस्ट सिग्निफिकेंट है तो हमारा डेटा डेटा जब फेच करना जब का होता है, उसमें होंगे, नहीं है तो हम इस टेस्ट के थ्रू देख लेंगे तो ये भी हमने डैशबोर्ड के अंदर ऐड करनी है ये वाली एक स्टेटमेंट ठीक है ताकि हमें वहीं पे डैशबोर्ड में आ जाए ट्रू है इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा ये तो हो गया स्टेशन नॉन स्टेशनरी डेटा की एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिस इज जस्ट अ वार्म अप थिंग कि हमारे पास डेटा किस तरीके से काम करता है अब मैं क्या करने लगा हूं आपको यहाँ पे एक बेसिकली uh, डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं उसका थोड़ा सा तरीकाकार बताने लगा ठीक है एंड देन वी विल सी ये कैसे काम करता है हमारे पास हम नम्पाई और पांडास दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे बाय द वे आप कोमा लगा के भी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज पांडा नम पाई एज एन पी तो फिर इंपोर्ट इन दोनों का कॉमन हो गया आगे जो मर्जी लिखते जाएं आपकी सी बन एज एस एन वो सारी एक ही लाइन में आ जाएंगे फिर स्टैट्स मॉडल से हमने ऑटो कोरिशन एंड पार्शल ऑटो कोरिशन के दो जो हमारी फिगर्स बनाने के तरीकेकार हैं उनको हमने देखा फिर यहाँ पर हम करते हैं प्लॉट लिप को और फिर हम फिगर का साइज यहाँ पर दे देते हैं दिस इज जस्ट टू एक्चुअली स्ट्रेच द फिगर ऑन पाइथ जैसे हमने ये किया एक ये रेंडम डेटा है डब्ल्यू 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 यूजिज का जो ऑनलाइन मैंने फैच किया है जस्ट टू शो यू इतनी कोई इसमें बड़ी कोई साइंस नहीं है यू कैन पुट दिस थिंग ऑन एनी डेटा सेट तो हम इसको प्लॉट करके देखते हैं हमने यहाँ पे सिंपली ऑटो को रिलेशन को प्लॉट किया ठीक है और यहाँ पे भी ऑटोकोर रिलेशन है हमारा यहाँ पर भी ऑटो को रिलेशन है ठीक है लेकिन ये ओरिजिनल डेटा को हमने प्लॉट किया है, ये डी की वैल्यू वन रख के प्लॉट किया यानी कि फर्स्ट डिफरेंस को ये डी की वैल्यू टू प्लॉट किया है, ठीक समझ आ गई यहां पे, डी की वैल्यू वन और टू अब देखते हैं क्या चीज है यहां पे हमारे पास ओरिजिनल सीरीज कुछ इस तरीके से है ओरिजिनल सीरीज का मतलब जो ओरिजिनल डेटा था वो समथिंग लाइक दिस था जो अगर हम इसका ऑटो को रिलेशन प्लॉट करें तो इस तरीके से उसकी बीड्स आ रही थी ऑटोको रिलेशन का मतलब है कि करंट वैल्यू का पिछले के साथ कितना रिलेशनशिप है या कितनी उनके अंदर सीक्वेंस मैच करती है अगर आप गौर करें तो आपकी वैल्यू इस तरीके से रिड्यूस कर रही है और इस तरीके से आप जा रही है जहां जहां से ऊपर जा रही है वो ऊपर आएंगी जहां जहां से वैल्यू नीचे जा रही है वो नीचे आएंगी और आपका को का प्लॉट ये शो करता है कि यहां से यहां तक आपका डेटा जो है वो चेंज खा रहा है ठीक है

इफेक्ट हुई है जैसे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस करते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन अब आप गौर करें यहाँ पे हमारे पास जो दोनों प्लॉट थे उसके अंदर ओरिजिनल सीरीज के अंदर हमने सिर्फ सब प्लॉट बनाया और ये वैल्यू दी है सब प्लॉट की ठीक है नथिंग मोर देन दैट और हमने यहां पे डीएफ की वैल्यू इस तरीके से प्लॉट कर दिया प्लॉट

एक्सिस तीन बना लिए दूसरा एक्सिस अगर आप गौर करें तो ये तीसरा एकसिस. एकसिस होते है कि सब प्लॉट कर वैल्यू के ऊपर ऑटोको रिलेशन को ड्रॉ किया ठीक है सिंपली हमने ये वाली चीज ड्रॉ की है यहाँ राइट और ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया है एक्सेस जीरो पॉइंट जीरो पे प्लॉट किया है डीएफ वैल्यू को फिर एक्सेस जीरो पॉइंट जीरो पे हमने उसका टैटर रख दिया ओरिजिनल सीरीज तो बेसिकली सिर्फ वैल्यूज को ओरिजिनल को हम प्लॉट कर रहे हैं लाइक ये हमने सिर्फ वैल्यूज प्लॉट किए यहां पे हमने उसका ऑटो को रिलेशन प्लॉट किया कुछ कोई बड़ी साइंस नहीं है इस कोड के अंदर ठीक है लेफ्ट और राइट साइड ये लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड है उस एक एक्सिस की पहले की ये राइट साइड है फिर हमने क्या किया दूसरे एक्सेस पे गए वहां पे उसके डिफरेंस की वैल्यूज को प्लॉट किए ठीक है यहां पे अगर आप गौर करें और हम फिर इसी तरीके से एक्सिस वन सेट टाइटल यहाँ पे चले गए और यहाँ पे हमने एक्सिस के ऊपर इसका डिफरेंस जो है उसे प्लॉट कर दिया जितनी दफा आप डिफरेंस लेते जाएंगे उतनी दफा उसका डेटा जो है वो सेकेंड डिफरेंस में जाता जाएगा एक दफा डिफरेंस लिया तो उसका डेटा वहां पे आ गया दूसरी दफा डिफरेंस लेंगे तो दूसरी दफा आ जाएगा तीसरी दफा डिफरेंस लेंगे तो तीसरी दफा आ जाएगा ये वही डिफरेंस है जिसके बारे में बताया गया था डी के वैल्यू का कि आप ओरिजिनल वैल्यू में से पिछली वैल्यूज को माइनस करते हैं टू रिटेन द स्टेशनैरिटी ठीक है अब होगा क्या इसके अंदर इसमें स्टेशनैरिटी आ जाएगी इसको फर्दर समझाने के लिए आप अगर डिफरेंट अदर टेस्ट भी लगाएं तो नंबर ऑफ डिफरेंसिस आप चेक कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए डी एफ टेस्ट के थ्रू अगर आप चेक करें कि वाई के ऊपर अगर आपने एंड डिफरेंस चेक करना है सो यू कैन डू लाइक दिस उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी के पी एस टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं के पी एस एस और पी पी टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं ये वही टेस्ट है आपको बताए थे to see and differences. Number of differences कितने जरूरी है ठीक है तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि पी और डी की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं खैर अब जो हमारे पास डेटा आता है कोई भी डेटा उसके ऊपर आप ऑटो कोरिलेशन भी लगा सकते हैं और डिफरेंट किस्म के मॉडल्स ऑटो और हीमा भी है मॉडल और डिफरेंट अदर मॉडल्स भी आप लगा सकते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं अब मैं क्या करता हूँ एक नोटबुक ओपन करता हूँ उसमें आपको दिखाता हूँ कि काम करता है लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखाने के लिए शायद मैंने यहाँ पे की हुई है नहीं नहीं इधर अब हम सरीमा पे मूव करते हैं और यही थ्योरीज जो हैं ए टू जी सारी लगा के देखते हैं स्टॉक मार्केट में आपको वार्म अप करने का मकसद ये था कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है कैसे काम करती है ठीक है ओके अच्छा आप लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम वन बाय वन लाइन बाय लाइन कोड करें या कोड जो ऑलरेडी मेरे पास है उसको शो करके आपको समझा दो वन बाय वन कोड कर लेते मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है ओके okay. ठीक है जी स्टार्ट करते हैं